अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सुलवाना कमर और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं कुरान पढ़ रही थी, तो कुरान में मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सूरह नूर में मैंने आयत नंबर 61 में उसका एक लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा और मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी कुरान पढ़ो तो अगले को भी बताओ, अगले को भी शेयर करो। इससे क्या होता है ना कि आपको वो आयत याद भी हो जाती है और फिर आप अपने लाइफ में उसे इंक्लूड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे इंक्लूड करें, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। तो मैंने आयत में पढ़ा कि जब भी आप अपने घरों में दाखिल हों तो अपने घर वालों को सलाम किया करें। जब भी मतलब घर में हों, कभी आपको मम्मा दिख जाए या पापा दिख जाए या आपके बच्चे ही दिख जाए तो आप बच्चों को ही सलाम कर लिया करो। अगर घर में कोई नहीं आपके बच्चे तो आप बच्चों को ही सलाम कर लिया करो और बच्चों को भी सिखाएं कि अपने पेरेंट्स को सलाम करें, या घर पे कोई भी है तो उसको जब भी एंटर करें तो सलाम करें। तो वो बहुत ही प्यारी आयत है, उसका मैं पूरा सेंटेंस आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर आयत नंबर 61 में लास्ट पैराग्राफ है कि फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये खुदा की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। कितनी अच्छी बात है ना, अल्लाह की तरफ से ये मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। तो बस हमें इसे अपने लाइफ में आज से ही आप मतलब कर लो कि मुझे आज से ही इस छोटे से स्टेप को इंक्लूड करना, छोटा सा नहीं है। अगर अल्लाह ने कहा है कि मेरी तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है तो शायद ये छोटे से थोड़ा बड़ा स्टेप है, तो इसे इंक्लूड कर लें। कितना ही मुश्किल है घर में आए और सलाम करना है बस। वैसे बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज़ को करते हैं, बट बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये अल्लाह की तरफ से एक मुबारक तोहफा है। और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा तो आगे भी शेयर करें, क्योंकि कुरान को समझना और बताना सिखाना एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छा माना जाता है इसे। तो आप इसे आगे ज़रूर शेयर करें अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अल्लाह हाफिज़।